मॉर्निंग कमालिसा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा राठौर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी बस जस्ट मैं नहा कर आई हूँ और आज मुझे जाना है अपनी स्कूल, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप हो चुकी है पूरी और 2 साल की जो BSTC है वो मेरी कम्प्लीट तो नहीं हुई है। कम्प्लीट तो नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम बाकी हैं, वो भी पता नहीं है, उसकी डेट नहीं आई है तो वो कब होंगे। उसके बाद मेरी BSTC पूरी हो जाएगी और आज मैं जा रही हूँ अपना रिलीविंग लेटर लेने, क्योंकि सर का काफ़ी दिनों से फ़ोन आ रहा है कि आप अपना रिलीविंग लेटर ले जाओ, तो वो मुझे लेके आना है। मैं तो अभी स्कूटी नहीं चला सकती, तो प्रीति भाईसा को लेके जाऊँगी, वो स्कूटी चला लेंगे और हम मंदिर भी जाएँगे और रिलीविंग लेटर भी ले के आ जाएँगे। प्लस जाएंगे भाभी सा के घर पे भी, क्योंकि वहाँ से दूध लेके आना है और मॉर्निंग में लेके आना होता है, लेकिन आज लेके नहीं आए, तो दूध भी ले आएंगे हम, 3 काम एक साथ करके आ जाएंगे। था मेरा बर्थडे और हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं कर पाए, क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था पेंट का काम जो है वो कल ही ख़त्म हुआ है, और कल रात को मतलब हमें सफाई करते करते रात को 9:30 बज गए थे। फिर बच्चे जिद करने लगे, सिया और काव्या, कि नहीं पापा मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, चाहे थोड़ा ही मनाएंगे लेकिन मनाएंगे मम्मा का बर्थडे। फिर ये रात को 10 बजे गए और फिर केक लेके आए और छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि 10 बजे मैं कपड़े चेंज करके और अच्छा सा सेलिब्रेट करूँ। तो सिया ने बोला था कि मम्मा कपड़े चेंज करूँ, बट मेरी हिम्मत नहीं थी इतनी। तो आपको मैं दिखाती हूँ, बाहर से जो काम चल रहा था कलर पेंट का वो पूरा हो चुका है, तो ये देख सकते हैं आप। और वो हमारे कलरफुल गमले जिनमें अभी पौधे लगाने बाकी हैं, तो यहाँ से बस पूरा हो चुका है। इसी को करने में हमें रात को 10 बज गए। स्कूल और फिर आके मिलते हैं आपसे बाद में। अपनी डायरीज, क्योंकि मुझे इनमें सिग्नेचर भी करवा के लाने, इधर से लाइट अच्छी नहीं आ रही है, मुझे इनमें सिग्नेचर करवा के लाने हैं जो कि वापस कॉलेज में जमा करवानी है। अभी ये भी मुझे पूरी कंप्लीट नहीं की है मैंने, अभी ये भी कंप्लीट करनी है। तो चलो चलते हैं नीचे, 10 बज चुके, लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। तो यहाँ भागवत कथा चल रही है और ये है बीकानेर का फेमस शिवबाड़ी का मंदिर, वो प्रीति भाई सा जा रहे हैं जल चढ़ाने से। और सच में बहुत गर्मी है, बीच में मंदिर भी गए थे हम शंकर भगवान के, और शाम के 7:30 बजे हुए हैं और मैं और ये जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि वीकली सब्जी लेकर आते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है फिर भी मैं साथ में जा रही हूँ, तो वैसे तो मैं ट्रेवल कर सकती हूँ, जैसे कि आज स्कूल भी मैं गई थी, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेवल तो करना ही पड़ता है। और जैसे घर के जो भी काम हैं छोटे मोटे वो भी मैं कर लेती हूँ, जैसे अभी प्रीति वैसा है तो वो हेल्प करवा देते हैं, और बाकी जो भी घर की क्लीनिंग वगैरह होती है ना वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। अभी मार्केट अभी जाके आऊँगी, और वैसे मैं जा चुकी 2 बार पहले भी मार्केट जा चुकी, तो अभी सब्ज़ी वगैरह लेके आएंगी और भी कुछ सामान है वो भी लेके हमें आना है। तो बस अभी इनका फ़ोन आया कि चलते हैं, ये भी ऑफिस आए नहीं है, और काव्या को ये सो रहा है कि मुझे भी लेके चलो, बट क्या ही करेंगे, इसको तो साथ में ले जाएगी, क्योंकि बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं, और इसको तो वैसे भी बाइक, पता है बाइक पे बैठेगी और सिर्फ मतलब शायद 5 मिनट भी नहीं होते होंगे और इसको नींद आ जाती है, सो इस वजह से हम इसको नहीं लेके जाएंगे। इधर देखो, रोते नहीं बेटा, आप तो गुड गर्ल हो ना, आप तो गुड गर्ल हो, ऐसे रोते नहीं है गुड गर्ल। ओ वाओ, काव्य की हैंडराइटिंग कितनी प्यारी है, वेरी गुड, रोते नहीं है बाबू, आप तो बहुत ही गुड गर्ल हो। चलो होमवर्क करो जल्दी से। प्रीति वैसा ने ओढ़नियों की कड़प लगाई है, कड़प कलप क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो लगाई है, तो अभी इनको समेटेंगे, लगाते हैं कड़प, ताकि ना ओढ़नियों में जो जैसे वो सूखी वाली जो आती है ना वो लगाते हैं ना, तो उससे धब्बे धब्बे से रह जाते हैं ओढ़नियों में, तो इससे बिल्कुल भी नहीं रहते और अच्छी भी लगती है, इससे बहुत ज़्यादा भी नहीं लगती और ना ही कम लगती है, अच्छी सी लग जाती है इससे। तो हम ये वाली यूज़ करते हैं, लिक्विड है ये। बता दूँ कि अब से मेरे व्लॉग्स डेली आया करेंगे, मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉग्स डालने का, जो मेरा टाइमिंग है ना वो रहेगा दिन में 12 बजे, दोपहर 12 बजे मैं फिक्स व्लॉग डाल दिया करूँगी, तो आप